स्टोइकोमेट्री क्या होता है? स्टोइकोमेट्री ना सिंपल रेशो होती है जिसमें एलिमेंट्स एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, उसके सिंपल रेशो होती है ये। ठीक है, तो सिंपल रेशो इन विच मॉलिक्यूल्स कंबाइन, ये होती है स्टोइकोमेट्री। तो देखो क्या है, लिखते हैं सिंपल रेशो। इन विच मॉलिक्यूल्स कंबाइन, तो इसका कोई थ्योरी तो नहीं है, क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, देखो क्या है, कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन गिव्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। ये चेक करना पड़ेगा, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4 गैस होती है ये, इसकी कंबशन करनी है मतलब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है। ठीक है, गैस क्या बन जाएगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड। ठीक है, अब देखो इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, पहले एटम्स दोनों तरफ आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। कार्बन के कितने एटम है दोनों तरफ? एक एक है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, हाइड्रोजन कितना है इधर? चार, इधर भी चार कर लो। अब ऑक्सीजन कितना होगा इधर? लो चार, दोनों तरफ हमें बैलेंस कर दिया। दिस इज, अब इसको कहते हैं स्टॉइकोमेट्रिक कॉफिशेंट्स। देखो स्टॉइकोमेट्रिक कॉफिशेंट ऑफ CH4 कितना है? वन। स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशेंट्स ऑफ O2 कितना है? टू। स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशेंट ऑफ CO2 कितना है? वन। स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशेंट्स ऑफ H2O कितना है? टू। ये पता है क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बोलता है, ये रिएक्शन शोज कि 1 मोल ऑफ मीथेन विल रिएक्ट विद द 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। ये इसका मतलब है, इसी को स्टोइकोमेट्री कहते हैं। 1 2 1 2 जो इसके कॉफिशियंट्स आ गए, सिंपल रेशो है ना ये, तो सिंपल रेशो इन विच मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग, तो ये 1:2 में कंबाइन कर रहे हैं, ये स्टोइकोमेट्री हुई। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहता है, ये कह रहा है। अच्छा यहाँ देखें, ये कितने ग्राम मीथेन हो गया? 16 ग्राम हो गया ना, मीथेन का 1 मोल, इसका मास 16 ग्राम हो जाएगा ना। ऑक्सीजन का 2 मोल है, 1 मोल का मास कितना होता है? 32 ग्राम। एक एक ऑक्सीजन एटम का मास 16, तो O2 का मास 32 हो जाएगा, लेकिन O2 के 2 मोल है तो कितना हो गया? 64 ग्राम। मतलब 16 ग्राम मीथेन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है? 64 के साथ। लेकिन ये क्या कह रहा है? अच्छा नहीं सॉरी, वाटर, वाटर कितना बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनती है? 44 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ही होता है ना, वाटर का मोलर मास 18 होता है, लेकिन बने कितने वो? 2, तो 36 ग्राम बन जाएगा। मतलब 16 ग्राम मीथेन कितने ग्राम का वाटर बना दिया? 36 ग्राम वाटर बना दिया। यहाँ क्या बोल रहा है वो? 18 ग्राम वाटर, तो गलत होगी बात है, असर्शन रॉन्ग है। रीजन, इन कंबशन ऑफ मीथेन वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये बात तो सही है, मीथेन को कंबस्ट कर तो वाटर तो बनता ही है, तो रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज रॉन्ग। ठीक है बात। अच्छा इसको ना ऐसे भी कर सकते हो, मैंने तो आपको ऐसे करके दिखा दिया, वो भी सही है। इसको करने का एक और ढंग होता है, देखो नंबर ऑफ मोल से करने का ढंग होता है, ये लगता होता है। अगर आपको कोई भी जनरल रिएक्शन दी हो ना, देखो ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी गिव्स सी टाइम्स सी प्लस डी टाइम्स, ये जनरल रिएक्शन। इसमें ए क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए। बी क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। ठीक है ना, एक जनरल रिएक्शन लिख ली मैंने। तो ये पता क्या कहता है? कहता है ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी टू गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। एक तो इस तरह से पढ़ सकते हो इसको, एक आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी अपॉन डी, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है ना, जिसके नंबर ऑफ मोल उसके उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर, ऐसे होता है। अब देखो मैंने ये सेकंड अप्रोच से ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, देखो कैसे करना है। ये क्या है? CH4+O2 गिव CO2+ वाटर, ये रिएक्शन थी। तो बाय स्टोइकोमेट्री क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन डिवाइड बाय 1। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन, और मीथेन के मोल कितने यूज हुए हैं? 1 मोल, क्योंकि आपने 16 ग्राम मीथेन यूज करी थी क्वेश्चन में,
तो 16 ग्राम मीथेन अगर यूज करिए तो नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 16 मोलर मास भी 16, एक मोल आ गया। तो मैंने नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन एक मोल यूज करा तो वाटर के 2 मोल हो गए। तो अगर वाटर के 2 मोल है तो मास कैसे निकलेगा, मास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, तो 2 × 18 36 ग्राम। ठीक है, मैं अपना इसी अप्रोच से करूंगा क्वेश्चन, ये वाले अप्रोच से। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय रिएक्टिंग डाइल्यूट HCl विद ग्रैनुलेटेड जिंक, जिंक की गोलियां होती हैं जो उसको HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है, H2 गैस बनती है। फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये रिएक्शन हो जाती है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट STP व्हेन 32.65 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद HCl। ये क्या कहता है, जिंक कितना रिएक्ट करा दिया, 32.65 ग्राम आपने रिएक्ट करा दिया, तो वो बोल रहा है कि H2 का वॉल्यूम कितना आप निकलेगा। क्वेश्चन ये है, HCl के साथ आपने 32.65 ग्राम जिंक रिएक्ट कराया, H2 का वॉल्यूम कितना आएगा ये पूछ रहा है STP पे। और यहाँ पे किसी ने हिंट दिया हुआ है कि STP पे एक मोल जो गैस है वो 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ये इसने एक हिंट दिया हुआ है। एक मोल का वॉल्यूम कितना है, 22.7, आपसे वॉल्यूम पूछा। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो आप इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लो, जिंक के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 32.65, मोलर मास इसने दिया हुआ है 65.3, आधा मोल आ गया जिंक का। अब रिएक्शन लिखो, ये रिएक्शन है। अब स्टोइकोमेट्री क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय स्कोप ऑप्शन कितना है, 1, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ जिंक डिवाइड बाय स्कोप ऑप्शन कितना है, 1, दोनों का 1 1 ही है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एच टू कितने आ जाएंगे, जितने जिंक के हैं 0.5 मोल ही आएंगे। तो अगर 0.5 मोल आ गए तो वॉल्यूम कितना आएगा, एक मोल का वॉल्यूम कितना है 22.7, तो आधे मोल का कितना होगा, इससे आधा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ H2 आएगा मोल्स ऑफ H2 इनटू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, तो 11.35 लीटर। ठीक है,